भारतीय सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। वीके सिंह ने राहुल गांधी को सेना में काम करने तक की सलाह दे दी है। 22 मई को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने भारत के सैनिकों को मजदूरों में बदल दिया है। हरियाणा में पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां लोहे का 700 मीटर लंबा पाइप कई वाहनों पर एक साथ गिरने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान कई वाहन इस लोहे के पाइप की चपेट में आ गए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा इतना भयानक था कि कुछ लोगों के शरीर के टुकड़े दूर तक जा गिरे। दिल्ली में से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट करवाया गया है। इसके अलावा विमान को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाया गया है। हवाई अड्डे के अधिकारी के अनुसार विमानन सुरक्षा और एक बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर है। देश के कई हिस्से में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। लोग झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान है। वहीं राजस्थान के फलौदी में तापमान 49 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों को 31 मई तक हीट वेव से राहत के आसार नहीं है। केदारनाथ धाम की यात्रा ने साल 2024 में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार 18 दिन में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने दर्शन किए। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सेक्स स्कैंडल केस में देश छोड़कर भाग चुके हसन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि वह 31 मई की सुबह 10 बजे वे विशेष जांच टीम के सामने जांच के लिए मौजूद रहेंगे। अज्ञात जगह से जारी इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने साथ मिलकर राजनीतिक साजिश की और वे कानूनन इसका मुकाबला करेंगे। मुंबई के धारावी के एक मकान में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग से 6 लोग घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग बुझाने का काम अभी जारी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड के अनुसार आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को मिल रहे समर्थन पर चिंता जताई है। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह गंभीर विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। शेयर बाजार में आज 28 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 75,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है या 23,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2 जून से खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का पहला बैच न्यूयॉर्क पहुंच गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को टीम के न्यूयॉर्क पहुंचने का वीडियो शेयर किया है।